Hello students, so in the last lecture we have seen about the priority scheduling that were the preemptive and non-preemptive priority scheduling. So let's move on to the examples of the priority scheduling. So this is the example of non-preemptive. That means once a process is given to the CPU, then until and unless it will complete, the CPU will not move the process out of the running state. So यहाँ पे चार प्रोसेस है. दिस इज द सेम एग्जाम्पल विच वी हैव यूज इन द प्रीवियस टू थ्री शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स. बट हेयर वी कैन सी दैट देर इज अ एक्स्ट्रा फील्ड और एन एक्स्ट्रा डेटा विच इज गिवन, दैट इज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेसेस. सो यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है, 2, 1, 4 and 3. सो विच इज द हाइयर प्रायोरिटी, विच इज द हाइएस्ट प्रायोरिटी. दिस इज द हाइएस्ट प्रायोरिटी. वी कैन से दैट 1 इज द हाइएस्ट प्रायोरिटी जॉब. And which is the lowest priority? This is the lowest priority job. That is 4 is the lowest priority job. So let's go through the example and Gantt chart. So first of all, we can see that jab process start hota hai, and we know that these all process comes to the CPU or to the system at time 0. So matlab ki 0 time pe aaya hua hai. Ab mere paas sara process available hai. तो वी कैन सी दैट द प्रोसेस विच इज़ हैविंग हाइएस्ट प्रायोरिटी, जिसका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट. तो वी कैन क्रिएट अ गैंट चार्ट एंड फ्रॉम जीरो वी कैन सी दैट द हाइएस्ट प्रायोरिटी जॉब इज P2. सो वी विल गिव CPU टू द P2 एंड P2 विल रन फॉर 3 सेकेंड और 3 मिली सेकेंड, वट एवर बी द SI यूनिट ऑफ द टाइम. एंड आफ्टर P2 इज़ फिनिश्ड, which is the process which is having highest priority after P2, we can see that this is 2 and P1 is having higher priority. So P1 ko CPU milega and P1 kitne der tak ke liye chalna hai, P1 21 second. So 2 plus 3 plus 21, that is 24. This is 24. Ab this is also over. Ab you can see that now from P3 and P4, P4 is having a higher priority, that is of 3. So in case of P4, we will render this to the CPU and the burst time is 2, so 24 plus 2 is 26, and at the last P3 will run with the priority of 4 and burst time of 6, that is 32. तो ये हो गया हम लोग का नॉन प्रीएम्प्टिव. एंड आफ्टर दिस नॉन प्रीएम्प्टिव वी विल कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम. एवरेज वेटिंग टाइम का सेम फार्मूला है कि सबसे पहले वी विल फाइंड आउट द कम्प्लीशन टाइम ओवर हेयर एंड आफ्टर द कम्प्लीशन टाइम वी हैव टू फाइंड द टर्न अराउंड टाइम. एंड टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू CT माइनस 80. दिस इज CT माइनस 80 एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड वेटिंग टाइम एंड वेटिंग टाइम इज TAT माइनस BT. सो ये फार्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम का. So with the help of these formula we will find the average waiting time and average burst time, average turnaround time. So the average waiting time is 13.25. so this was the case of non preemptive. ab isi question ko same question ko hum log ek bar preemptive ke through banate hain. that means let's start with preemptive. tabhi kya mere paas higher priority job kaun sa hai, जीरो से स्टार्ट किया है, मेरे पास अभी आया हुआ है P2 कितने देर के लिए चलेगा, 3 सेकेंड्स. दिस विल रिमेन सेम एज दिस नॉन प्रिएम्प्टिव, क्योंकि वी आर नॉट हैविंग एनी ऑफ द प्रोसेस कमिंग एट द मिडिल ऑफ द सिस्टम. सभी का प्रोसेस अराइवल टाइम ज़ीरो है. तो अराइवल टाइम जब चेंज होता है, सो दैट अगर ज़ीरो पे इफ वेट लेट मी रब फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन एंड मेक यू अंडरस्टैंड विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल. तो अभी देख लेते हैं कि अराइवल टाइम अगर इसका ज़ीरो है, इसका 3 है, इसका 4 है एंड इज हैविंग 8. ओके, 0, 3, 4 and 8, दिस इज़ द अराइवल टाइम. अब हम लोग बना के देखते हैं कि हाइएस्ट प्रायोरिटी जॉब पर कैसे बनेगा केवल गैंट चार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइम विल बी एट 0. 0 पे मेरा कौन सा प्रोसेस अभी मेरे पास है,
we are only having the process 21, that process P1 that is having burst time of 21. So we will give P1 the CPU. तब P1 कितने देर के लिए चलेगा? 21 के लिए चलेगा, नहीं ना, क्योंकि वंस इट रीच टू 0.3, मतलब ये जैसे भी 3 तक आ रहा है तो इसको क्या पता चल रहा है, अच्छा हम 3 पे आए हैं तो मेरे पास एक इससे भी हायर प्रायोरिटी जॉब आ गया, मतलब 3 पे आए हैं तो मेरे पास हायर प्रायोरिटी का 1 प्रायोरिटी का जॉब है, तो हम 3 पे क्या करेंगे, रुकेंगे और P1 को वेटिंग स्टेट में भेजेंगे, और किसको यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे, P2। अब P2 का देखते हैं, बर्स्ट टाइम 3 एंड इट इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी जॉब, मतलब ये इससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला जॉब मेरे पास कोई नहीं है, तो वी विल रन P2 कम्प्लीटली। अब P2 को कम्प्लीटली रन किए तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, कितने देर के लिए चला, 3, तो 3 + 3 = 6, और नाउ P2 इज़ ओवर, और P1 पे कितना बचा हुआ है, 21 में से 3 चला था तो 18 अभी रिमेनिंग विथ 18। नाउ वी कैन सी दैट एट टाइम 6 मेरे पास कौन कौन सा प्रोसेस आया हुआ है, 0 भी है, 3 भी है, 4 भी है, मतलब P1 है, P2 है, P3 है, P4 नहीं है क्योंकि P4 8 पे आएगा, तब 6 टाइम पे मेरे पास P1 है, P2 एंड P3 है, एंड P2 इज़ कम्प्लीटेड, सो P1 P3 में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, यू कैन सी दैट द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज़ ऑफ P1, और वो भी सबसे अभी तक हाईएस्ट है क्योंकि 1 मेरा कम्प्लीट हो गया, सो वी विल सेंड P1 अगेन एंड वी विल रन इट कम्प्लीटली, दैट इज ऑफ 18 सेकेंड, 18 + 6 = 24, यहाँ जाके ये कम्प्लीट होता है, ठीक है। अब P1 भी रन, अब 24 सेकेंड मेरे पास ये दोनों हैं, P3 भी है एंड P4 भी है, अब P3 P4 में मैक्सिमम नहीं मिनिमम प्रायोरिटी, मतलब कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, P4 का, क्योंकि 3 है तो P4 विल रन एंड इट विल रन फॉर 2 सेकेंड और 2 मिली सेकेंड, जो भी इसका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है दैट इज स्टिल 26, and after that at the last P3 will run for the complete time of its 6 unit, that is 32। तो इसी तरह से हम लोग गैंट चार्ट बना लेंगे, अब गैंट चार्ट बन गया, अब यहाँ पे वी कैन राइट दैट फिनिश टाइम और कंप्लीशन टाइम, अब P1 का कंप्लीशन टाइम देखते हैं कितना, 24, P2 का 6, P3 का 32 एंड P4 इज हैविंग 26। So these are the finish time. Similarly, we will calculate turnaround time. Turnaround time equal to finish time minus arrival time. तो इस तरह से 24 minus 0, 24 हो गया, 6 minus 3, 3, 32 minus 4, 28, and 26 minus 8, that is 18. Now we can calculate wait time. Wait time calculate here. Wait time equal to turnaround time minus burst time. 24 minus 21, that is 3. 3 minus 3, that is 0. 28 minus 6, that is 22, and 18 minus 2, that is 16. So what is the sum of this waiting time? 38 and 41 by 4. So this is 10.25. तो हम लोग देख रहे हैं कि नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में, when we were solving about non preemptive, तो वहाँ पर आ रहा 13.36, and in case of preemptive, we are getting 10.25. तो हम लोग बोल सकते हैं जो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होता है दैट इज मच मोर बेनिफिट मच मोर ऑप्टिमाइज्ड देन दैट ऑफ द नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इन एनी केस वी हैव आल्सो सीन इन द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड वी आर आल्सो सीइंग इन दिस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड एवरीवेयर द नॉन प्रीएम्प्टिव इज मच मोर बेनिफिशियल इन कंपेयर टू द प्रीएम्प्टिव वन So these were the examples of the both the two algorithms and we will see the problems with priority scheduling and round robin in the next video lecture. So till then stay tuned. Thank you.